महोदय, मैं भी गांव का रहने वाला हूं और किसान परिवार की मां की कोख से पैदा हुआ हूं। अभी इस सदन के सम्मानित सदस्य श्री राहुल गांधी जी ने यह कहा कि 2 रुपये का आलू जब उसकी चीप्स तैयार होती है तो 10 रुपये की दर से बिकती है, कम जानते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं 2 रुपये किलो की आलू का चीप्स 50 रुपये 75 रुपये में एक पैकेट मिलता है। रुकिए रुकिए, और एक चीज यह उन्होंने रुकिए क्या हो रहा है भाई? आप लोग शांत रहिए। क्यों आपको उन लोगों को केवल बोलने दीजिए, आप लोग शांत रहिए, इधर से कोई ना बोले। दूसरी चीज उन्होंने उन्होंने यह कहा है कि इस सरकार ने वह जादू कहां से सीखा है। क्या जादू है? जादू बोला है, कार्रवाई। यह जादू, जादू 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 क्या जादू है? यह मैं अध्यक्ष महोदया कहना चाहता हूं, यह जादू हमारी सरकार ने ईजाद नहीं किया है, बल्कि यह जादू ईजाद यदि किसी ने किया है तो इनकी सरकार ने ईजाद किया है, हमारी सरकार ने इसका ईजाद नहीं किया। लेकिन जहां तक इस फूड प्रोसेसिंग पार्क का सवाल है, इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि इसका क्या हो गया ज्योतिरादित्य जी? आप दिखवा लेना। क्या जादू है? बैठिए ज्योतिरादित्य जी, क्या जादू है? यह कहा था ये भी, अरे बाप रे, तो यह अच्छा, मान लिया सरकार के संबंध में नहीं, लेकिन यह कहा कि क्या जादू है? इस जादू का इजाद यदि हुआ है तो पहले ही हुआ है, पिछली सरकार के शासनकाल में। इस जादू का इजाद हम लोगों के शासनकाल में नहीं हुआ। और अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस मेगा फूड पार्क का प्रश्न है, यह मेगा फूड पार्क, इसको प्रिंसिपल अप्रूवल 2010 में मिला था, और इसमें नहीं, अब तीन साल चार साल जो हो रहा था उसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। जो मेरी अब तक की जानकारी है, शायद कंपनी ही ने इसको रिफ्यूज कर दिया, फिर भी भाई आप लोग जब मैं बोल रहा हूं मत बोलो। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि सम्मानित सदस्य ने उसे उठाया है तो इस मामले को मैं दिखवाऊंगा है क्या नहीं। आप बिल्कुल बदले का, राहुल जी बदले का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता। बदले देखिए, हम तो यह मान कर चलते हैं, हम लोग देश का विकास करना चाहते हैं। अकेले सत्ताधारी दल देश का विकास नहीं कर सकता जब तक कि सबका सहयोग प्राप्त नहीं होगा। हमारी सोच तो यह सोच है, इसलिए यदि आपने कहा है तो इस पूरे मामले को मैं दिखवा लूंगा, और मैं व्यक्तिगत रूप से आपको इसकी मैं जानकारी भी दे दूंगा किन परिस्थितियों में।